दुनिया में बहुत सी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हैं जिनका राज समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी ही जगह के बारे में जिसका नाम है लेक कैंडी। जी हाँ, ये एक लेक है जो बेहद ही रहस्यमयी और दिलचस्प है। लेक कैंडी नाम से मशहूर ये झील किसी अजूबे से कम नहीं है। ऊपर से तो ये कोई आम खूबसूरत झील की तरह ही दिखती है, जो कि नीले पानी से भरी हुई है और पहाड़ियाँ और ऊंची टीलों से घिरी है। अगर आप ज़रा गौर करेंगे तो पाएंगे कि झील ऊपर से जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर में उतने ही घने राज छिपाए हुए हैं। इस झील की सतह के नीचे एक पूरी अलग दुनिया देखने को मिलती है, जो आपके मन को काफ़ी प्रभावित करता है। इस झील में पूरा जंगल पानी में समाया हुआ है। इस झील के अंदर बड़े विशाल पेड़ों को देखकर हर कोई हैरान है। लेक कैंडी नाम की यह झील कई तरह के पेड़ों से घिरी हुई है। बताया जाता है कि साल 1911 में इस इलाके में भयानक भूकंप आया था, जिसकी चपेट में पूरा इलाका आ गया था। तभी पेड़ों का विशाल काय हिस्सा झील में समा गया था। हैरानी की बात यह है कि पेड़ों ने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है कि अब इनकी नई शाखाएं पानी के अंदर ही कई फीट लंबी उग जाती हैं। दरअसल समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊपर स्थित इस झील का पानी काफ़ी ठंडा है। यह झील कजाकिस्तान के अलमाटी से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि यह जगह पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करती है। इस जगह काफ़ी लोग सैकड़ों की संख्या में घूमने आते हैं। सर्दियों के मौसम में यह झील आइस डाइविंग और मछली पकड़ने के लिए भी जानी जाती है। A1 न्यूज़ TV के लिए समृद्धि मलिक की रिपोर्ट।